अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकरा अजीज़ और यासिर शाह के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोनों की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। दोनों को इस शादी की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, क्योंकि यासिर शाह और इकरा अजीज़ की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एक अंदाज़े के मुताबिक लगभग ये फ़र्क 10 साल का है कि यासिर साहब इकरा अजीज़ से 10 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बत और प्यार में कमी नहीं आई। लोगों ने इंतहाई शिद्दत के साथ इन दोनों को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फिर भी इन दोनों के प्यार में कमी नहीं आई। इकरा अजीज़ की तरफ से खुशखबरी ये है कि इकरा अजीज़ इस दफ़ा जुलाई में माँ बनने वाली हैं। ये खबर मिलते ही सोशल मीडिया स्टार्स और मद्दाहों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी हो चुका है। यह खबर इकरा अजीज़ के मद्दाहों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे कबल सारा खान ने यह खबर अपने फैन से शेयर की थी और अब ये इकरा अजीज़ ने अपने फैन से शेयर की है। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इकरा अजीज़ का रिसेंटली ड्रामा खुदा और मोहब्बत कंप्लीट हुआ है। यह ड्रामा तकरीबन 1 साल की अथक मेहनत के बाद कंप्लीट हुआ है। इकरा अजीज़ फ़िलहाल किसी नए प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले रही, जिसकी वजह से उनके फ़ैन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब वो यह खबर सुनकर इंतहाई खुश हैं। तो इकरा अजीज़ को अल्लाह पाक बेटा या फिर बेटी से नवाजेगा, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।